ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन अच्छा था, ये था क्वेश्चन आपके सामने कि जो लेटर है स्मॉल ये डिक्शनरी में किस पोजीशन पे आएगा। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था सूरत वाला, वहां पे दिक्कत हमको नहीं आई थी क्योंकि वहां पे सारे लेटर डिफरेंट थे। इस बार प्रॉब्लम क्या है, एक लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस बार आपके पास जो वर्ड है वो है SMALL। अब ये डिक्शनरी पे किस पोजीशन पे आएगा इसके बारे में हमें पूछा गया। तो सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो बताओ कौन कौन पहले आएगा। सबसे पहले ए आएगा, फिर ALMS। एम एस, ठीक है चेक कर लेना ये आ रहा है क्या। ओके, अब यस पहला स्टार्टिंग मेरा ए से होगा, आया ना। सर, अब बचेंगे कितने लेटर, टोटल 5 लेटर, तो 4 पोजीशन बचेगी। अब इन 4 पोजीशन पे इन 4 लेटर को अरेंज करना कितने तरीके, इन 4 लेटर को 4 पोजीशन पे अरेंज करने कितने तरीके, फोर फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी तो होगा। 2 लेटर सेम हो रहे ना, याद है पिछली क्लास में बताया था यस जब भी 2 लेटर सेम होते तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हाँ है ना। सर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था एग का, इसका इसको जमाने का तरीका कितना होगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जितने लेटर रिपीट होंगे उतने से क्या करेंगे, डिवाइड, याद आ रहा है। तो यस सर आ रहा है। ए से, हाँ तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास, 24/2 दैट इज 12, हाँ है ना। यस सर, अब अगला कौन आएगा, एल, क्लियर है। यस सर, अगला कौन यस आएगा, एल। अब चाहे एल ये वाला लो या ये वाला लो, बात तो सेम ही है, सेम सर, यस सर, बात सही है। ही है। तो मान लो इसमें से कोई एल आ गया। अब कितने लेटर बचे हैं, 4 लेटर, 4 लेटर को 4 जगह पर बिठाने का कितना तरीका, चारों फोर डिफरेंट है, फैक्टोरियल, इस बार कितना आएगा, फोर फोर, फैक्टोरियल, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 24, ट्वेंटी है फोर ना। सर, इस यस अब सर, इसमें दोनों एल कवर हो गए क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आएगा, आया ना, डबल बार थोड़ी लिखेंगे। एल के बाद क्या आएगा, यस सर, एम, एम, एम। मान लो एम ट्वेल्व आ गया, सर, अब फोर फैक्टोरियल, सर, अगेन बताओ फोर एम क्या फैक्टोरियल, लगा, सर, नहीं फोर सर, फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल टू बाय अपॉन टू टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ट्वेल्व बाय फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वेरी गुड, टू 12, ठीक है ना, एल एल रिपीट हो रहा है। अब एम के बाद कौन आएगा, एस एस, एस, एस तो चाहिए मुझे, हाँ है ना, तो इसको लॉक कर दें, यस यस सर, लॉक सर, कर दीजिए। एस के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, ए ए, चाहिए ए, क्या, यस सर, चाहिए। तो एस और ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, थ्री थ्री फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, वेरी टू फैक्टोरियल, गुड बच्चों, 3 फैक्टोरियल पे तो 6/2 दैट इज 3, आया ना। यस सर, एस यस को लॉक कर दिया। अब एस में ए के बाद अगला कौन आएगा, सर, एल, वेरी गुड। एल, अब एस एल भी नहीं चाहिए, तो एस एल से कितने वर्ड हो जाएंगे, नहीं थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, ऑन भी नहीं आएगा ना, एल नो तो सर, होगा यस सर, है ना, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इस बार नहीं आएगा, तो 3 फैक्टोरियल आएगा, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, आया ना, यस सर, ठीक है। एस हो गया, ए हो गया, एल हो गया। अब एस के बाद, ए और एल के बाद कौन आएगा, एम, एम आएगा, एम चाहिए एम, क्या, हाँ चाहिए, तो एम को भी यस लॉक सर, कर देते हैं। अब बचे हुए 3 सोचते हैं, एम के एम, बाद कौन ए, आएगा, ए आएगा, ए, और ए के बाद कौन आएगा, एल, तो यही तो चाहिए मुझे, है यस ना, तो इसको सर, काउंट रहा है, देखो 24 + 24 48, 48 + 3 51, 51 + 6 57, 57 + 8 58, 58, यस सर, आ गए समझ में आप। यस तो सर, नहीं था, बस आपको थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना था कि ये रिपीटेशन में हम डिवाइड करते हैं, हाँ है ना, बाकी तो क्वेश्चन इजी था, यही 2016 में आया था। आप कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, यस सर, ओके यस वेरी गुड। चलिए अब एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है, थोड़ी सी अलग होती है, वो हम ट्राई करें। मैं इसको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये वाला। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको कि 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी। अब 50 फैक्टोरियल का मतलब समझते हो क्या होगा, क्या होगा 50 फैक्टोरियल का मतलब, 50 × 49 हाँ मतलब इनटू वन फोर्टी इंटू एट टू इंटू इज थ्री इंटू वन फोर कहाँ तक जाएगा, 52, 50 तक जाएगा। इन सबका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, 3 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, 5 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, है ना। तो मुझे ये पता करना है कि इस पूरे जो प्रोडक्ट में 2 की टोटल पावर कितनी आएगी, 3 की टोटल पावर कितनी आएगी और 5 की टोटल पावर कितनी आएगी, ये मुझे पता करना। 50 फैक्टोरियल मतलब बहुत लार्ज नंबर है, और भी प्राइम नंबर आ जाएंगे यस इसमें, सर, 7 वगैरह, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं इसका करूंगा तो 2 की टोटल पावर कितनी आएगी ये पता करना है, 3 की टोटल पावर कितनी आएगी ये पता करना। देखो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ ना, मैन्युअली काउंट करेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा, यस सर, ठीक है। यस
काफी टाइम चल जाएगा। तो इसको करने का बहुत अच्छा और एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा तरीका है, ट्रिक नहीं एक्चुअली तरीका है बहुत अच्छा, जिसकी मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि 2 की पावर में, 3 की पावर में, 5 की पावर में, ऐसे कोई भी नंबर की पावर में कितनी पावर आएगी। तो आपको वो तरीका समझना है, उसका डेरिवेशन पे भी हमको नहीं जाना है, उसका तरीका हमको समझना है, कैसे अप्लाई करना है ये सीखना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मान लो आपको पूछा है 2 की पावर, क्या पूछा है 2 की पावर, और किसने पूछा है 50 फैक्टोरियल में, किसने पूछा है 50 फैक्टोरियल में, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो ध्यान से। आपको अप्लाई करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या होता है? नो सर। ये एक्चुअली फंक्शन में आता है, आपका जो 12th का पोर्शन आता है ना फंक्शन में, उसमें। लेकिन हल्का सा मैं आपको हिंट समझा देता हूँ, ज्यादा टफ नहीं है ये तो, तब ताकि ये क्वेश्चन आपका आ जाए ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले समझा देता हूँ फिर अपन ये करते हैं। देखो एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट, सब लोग सुन लो ध्यान से, इंटीजर फंक्शन। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है और ये क्या होता है इसके बारे में अच्छे समझते हैं, ध्यान से समझो। देखो अब ये इसको डिनोट करते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर एक्स, मान लो एक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे सोचेंगे हम ध्यान से, जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मैंने कुछ रखा एक्स की वैल्यू 2.3 सपोज, या फिर 2.7, या फिर 2.99, कुछ भी रख लो, 3.8, 5.5, 7.5, कुछ भी हो। अब इनकी वैल्यू क्या आएगी वो सोचना है। इसकी ये बाय डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि इसका जो आंसर आएगा वो इस x से जो भी, इस x से कम जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका आंसर आएगा, इस x से कम जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। जैसे 2.3 की अगर मैं बात करूं, इसको नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करूं तो 1, 2, 3, 2.3 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है, जैसे यहां पे आ रहा है 2.3। तो 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2 है। 2.3 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2.7 से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 2। इसमें भी आंसर 2, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। चलिए अगर इसको याद रखने का आसान तरीका ये, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसमें जो इंटीजर पार्ट है वो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी उसका इंटीग्रल पार्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 13.1 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 13.8 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेगेटिव नंबर में कैसे ध्यान रखना है देखो ध्यान से, एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया? तो नेगेटिव में आगे का नंबर आ जाएगा। हाँ नेगेटिव में आगे एक नंबर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होगा देखो ध्यान से। तो अगर मैं आपको ये पूछता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 2.3, इसका आंसर क्या आना चाहिए? माइनस टू नहीं आएगा, माइनस 2.3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, आया ना। इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है? -3। तो ध्यान रखना नेगेटिव नंबर में एक्स्ट्रा चल जाना, माइनस टू का कितना आ जाएगा? -3। अगर यहाँ पे होता -7.8 तो इसका आंसर कितना आता? -8। -9.2 का आंसर कितना आता? -10। -10, वेरी गुड। -0.7 का आंसर कितना आता? -1। वेरी गुड। -0.99 का आंसर कितना आता? -30.7 का आंसर कितना आता? -31। आगे समझ में सबको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी थी, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, अगर आपको 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर पता करनी है तो क्या करना है, एक एक करके जैसे यहाँ पे ऊपर 50 लिखा, 50 को पहले डिवाइड करना है 2 से, फिर प्लस 50 को डिवाइड करना है 2 की पावर बढ़ाते जाओ, 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, जब तक कोई नंबर 50 से छोटा ना आ जाए, 50 से बड़ा ना आ जाए। फिर 50 को डिवाइड करोगे 2 की पावर 3 से, फिर 50 को डिवाइड करोगे 2 की पावर 4 से, ऐसे चलते जाओ जब तक नंबर 50 से बड़ा ना आ जाए। 50 को डिवाइड करोगे 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 आया ना,
अगला जो करेंगे 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यस सर, यस सर। 450 से ज्यादा हो जाएगा तो आगे अब जाने की जरूरत नहीं है। और इस पे क्या लगा दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो लगा है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको शॉर्ट में ऐसे कर दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर है? यस सर। तो अब 50/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 50/4, 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आया ना। 50/8 बताओ, 6 point something? Yes sir, 6.25. हाँ, 50/8, 8 के बाद अब 50/16, 3.75, जो भी, और 50/32, 1 point something? 1 point something, yes sir. अब इसका greatest integer निकालना है, इसका क्या सबका निकालना है, greatest, तो 25 का greatest integer क्या आएगा, 25 ही आएगा, आया ना? Plus 12. 12.5 का greatest integer? 12. 6 point का greatest integer? 6. 3.7 का greatest integer? 3. 3. 1.5 का greatest integer? 1. 1. इन सबको add कर दो, तो 15 plus 12, 37, 37 plus 3, 40, 40 plus 7, 47. Check करना एक बार, 47 एक बार. Yes sir. Addition check कर लेना एक बार. 47. हाँ, 47 ही आ रहा है. तो basically हमने क्या निकाल लिया? 50 factorial में 2 की power कितना आएगा? 47. यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते 2 की पावर कितना आएगा, 47. क्या समझ में आया? यस सर, ठीक है। तो ये इस मेथड की मदद से आप डायरेक्टली पता कर पाओगे कि 2 की हाईएस्ट पावर मतलब 2 की टोटल पावर कितनी आएगी, 47. चलो अब 3 का आंसर निकालो आप लोग इसी मेथड से, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इस तरह से डिवाइड करते जाओ 50 से और पता करो 3 का आंसर कितना है, 3 की टोटल पावर कितनी आएगी, करो ट्राई सब लोग। सर 22 आ रहा है क्या सर? 24 चेक करो सब लोग वापस से, 22 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, क्या लिखना है? 22 ठीक है, देख लेते चलो फटाफट में, ठीक है। 50 को डिवाइड करेंगे पहले 3 से, 3 का स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर 3 के क्यूब से 27, आगे नहीं होगा अब तो 81 आ जाएगा, है ना? यस सर, यस सर। 50/3 कितना आएगा एप्रोक्सीमेटली? 16.7। तो इसका ग्रेट 16, 59 से डिवाइड करेंगे तो 5 point something, 27 से डिवाइड करेंगे तो 1 point something आया ना, 22, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ से, 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आ रही थी, 47 है ना? Yes, sir. 3 की पावर कितनी आ रही थी, 22, और आगे इसी तरह से प्राइम फैक्टर 5 की कुछ ना कुछ पावर आएगी, है ना? Yes, sir. 6 की पावर कितनी आएगी तो क्या आंसर दोगे इसमें, 6 की पावर कितनी आएगी सर? 22 आएगी। हाँ, 6 कैसे बनेगा, 6 2 और 3 की मदद से बनेगा, है ना? Yes, sir. 6 किसकी मदद से बनेगा, 2 और 3, तो 6 की पावर पता करनी है, मतलब 2 और 3 की पावर पता करनी है, तो 3 की तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 22 ही है। और इसमें से 2 की पावर 22 निकाल ले, आया ना, और 2 की कुछ ना कुछ पावर बच जाएगी, तो ओवरऑल इन दोनों की मदद से 6 बनेगा, तो 6 की पावर कितनी बनेगी, 22, क्लियर है? तो जो भी कम होगा वो पावर देखनी है, जो भी कम होगा वो पावर देनी, क्या समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा मुझे पता करो 5 की पावर कितनी आएगी, 12 आ रही, ठीक है, बाकी लोग भी चेक कर लो सर। 11 अब अगेन एक कम ज्यादा की तैयारी, वापस देखो क्या लिखे,
दादा 5 की पावर 12 आ रही है अगर मैं मान लू। अच्छा मैं पूछता इसमें डी पार्ट, 10 की पावर कितनी आती है 50 फैक्टर, तो बताओ क्या आंसर आता। 12 नहीं अच्छा 10 क्यों सर, 10 किसकी मदद से बनेगा, 2 और 5 की मदद से है ना। यस सर। तो इसमें छोटी पावर कौन सी है 5, तो 10 की पावर भी कितनी आएगी 12 ही आएगी। क्लियर है? यस सर। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये मेथड समझ में आ गया सबको। सर एक चीज पूछनी थी। हेलो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर ये बस प्राइम नंबर के लिए हो रहा है, क्योंकि मैंने जब 6 से किया उस समय 9 आ रहा है। हाँ ये सब प्राइम नंबर के लिए होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जब डिवाइड करो। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ये गलती हो सकती थी। जैसे यही मेथड अगर आप यहाँ पे 6 से करते हैं, 6, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, वो अप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, 3 और 5 ही। 6 के लिए करना तो आपको क्या देखना पड़ेगा, 2 और 3 का देखना पड़ेगा। क्लियर है? 10 के लिए देखना तो आपको क्या देखना पड़ेगा, बोलो, 2 और 5। आगे समझ में सबको? तो ये वाला जो तरीका अपनाओगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर ही आना चाहिए, ठीक है ना? बोलो। यस सर। ओके सर। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल एक बहुत स्पेशल चीज होता है। सर्कल के अंदर क्या चीजें होती, थोड़ा सा चेंज होता है। अब देखो ध्यान से इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा था जो भी था लीनियर अरेंजमेंट था, अब तक अपन ने जितनी भी चीजें देखी थी क्या थी, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब ये होता था कि बेसिकली आपके पास जैसे मान लो बोल रहा हूँ कि 4 नंबर को अरेंज करना है, 4 लेटर को अरेंज करना है, फिर 4 लोगों को चेयर पे बिठाना है, सब कुछ क्या था, लीनियर था। तो अगर एन लोगों को एन जगह पे बिठाना तो उसका तरीका कितना होता था, बोलो, एन फैक्टोरियल, आया ना? यस ठीक है। लीनियर के केस में मेरे पास अगर ये होता था कि एन लोगों को एन जगह पे अगर बिठाना है तो एन लोगों को एन जगह पे बिठाने के तरीके कितने होते थे, एन फैक्टोरियल। अब वही चीज अगर सर्कल में आ जाएगी तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला बन जाता है n-1 फैक्टोरियल। क्या बन जाता है? n-1 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते, जैसे मान लो मेरे पास 3 से समझते, पहले कितने लोग हैं, 3 पीपल है, 3 पीपल है, मान लो एबीसी। एबीसी अगर लीनियर अरेंजमेंट करता तो टोटल 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके होते हैं। अगर लीनियर अरेंजमेंट होता, ए बी और सी को लीनियरली अगर अरेंज करना होता तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज होती है ना, बोलो। यस सर। क्या होता है, ए बी सी फिर ए सी बी, इस तरह से मैं लीनियर अरेंजमेंट करता तो 6 तरीके आते हैं। ये 6 तरीके आपके सामने मैंने लिख दिए, ठीक है। वही चीज अब मैं सर्कल में जब करता, सपोज ए को यहाँ बिठाया, बी को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया। अब इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट करता क्या, तो इस अरेंजमेंट में लीनियर के हिसाब से इस तरह से और भी अरेंजमेंट होंगे, जिसमें क्या होगा, ये एक एक पोजीशन शिफ्ट होंगे। मान लो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ये 3 तरीके जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे मान लो इस ए को मैं यहां बिठाऊं, देखो ये 3 जगह है, ये 3 जगह पहले बना देता हूं, 3 चेयर्स हैं और ये सर्कल है। देखो सर्कल एक ऐसी चीज है, गोल गोल घूमो, तो रिलेटिवली ए बी सी ऐसे बैठो या ए बी सी ऐसे बैठो, ये तीनों के तीनों अरेंजमेंट क्या है, एक दूसरे के हिसाब से सेम है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, सेम। मतलब बेसिकली आप इसको ऐसा समझो, ये 3 इक्विवेलेंट पोजीशन है, ए बी सी ये वाला हो या फिर ए बी सी ये वाला हो, ये सब क्या है, क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों सेम, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन इन सब की क्या है, सेम आ रही है। तो इसको मैं 3 बार काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं सिर्फ कितनी बार काउंट करूंगा, एक बार। कितनी बार काउंट करूंगा, बोलो, एक बार। लीनियर होता तो लीनियर में तीनों अलग अलग होते, लेकिन ये सर्कुलर के इसमें 3 बार अलग अलग काउंट नहीं होंगे, ये सिंगल टाइम ही काउंट होगा। तो बेसिकली क्या होगा, 3 फैक्टोरियल में मैं 3 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। 3 फैक्टोरियल में मेरे को कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हो रहे, एक बार काउंट हो रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली क्या हुआ, 3 लोगों को सर्कल में बिठाने का तरीका कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल। सेम विद द केस ऑफ 4 पीपल, अगर 4 पीपल होंगे तो 4 पीपल के केस में भी यही होगा, 4 पीपल के केस में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, क्योंकि उसमें भी 4 अरेंजमेंट ऐसे आएंगे जो इसको एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में, क्योंकि इनके रिलेटिव पोजीशन सेम, मतलब ए बी सी ऐसे बिठाओ, ऐसे बिठाओ, ऐसे बिठाओ, तीनों के तीनों क्या है, सेम है। क्लियर है सर्कल के केस में, क्योंकि सर्कल डायग्रामेटिकली आप प्रॉपरली देखोगे तो सेम आएगा।
ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर्कल के केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक कम कर दोगे। पांच लोगों को सर्कल बताने का तरीका बताओ क्या होगा? फोर फैक्टोरियल। लोगों को सर्कल में बिठाने का तरीका कितना होगा? तो कितने लोगों को? टेन लोगों को। नाइन फैक्टोरियल। वेरी गुड। तो ये चीज आपको, हाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या हो जाता है? एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक ये लिख भी लेना। तो हमने क्या बोला, क्योंकि उसमें चीजें क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चीजें क्या होती है, सेम होती है। सर्कल में एबीसीडी क्या होता है, सेम। तो अगर एन पीपल है, एन पीपल को सर्कल में अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके हो जाएंगे, एन फैक्टोरियल। कितने तरीके हो जाएंगे, सॉरी कितने तरीके हो जाएंगे बोलो, एन माइनस वन फैक्टोरियल। कितने तरीके हो जाएंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल। क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों के तीनों सर्कल में रिलेटिव पोजिशन सबकी क्या है, सेम। रिलेटिव पोजिशन सबकी क्या है, सेम है। ए ए बी सी ऐसा हो या फिर ए बी सी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं मैं ऐसा हो या फिर ए बी सी ऐसा हो, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। क्या है, समझ में आ रहा है? इसको हम एक ही काउंट करेंगे। लॉजिक समझ में आया, बोलो। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें अलग अलग कंडीशंस क्या बनती है, बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन कंडीशन, वो अब आपको सोचना। अब देखो ध्यान से, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल देता कि मान लो यहाँ पे कोई तस्वीर है या फिर यहाँ पे मान लो कोई इंसान खड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो कोई लोग खड़ा हुआ है या फिर कोई तस्वीर है, मतलब यहाँ पे अब ये टेबल की पोजिशन क्या होगी इसके रेस्पेक्ट में, फिक्स हो गई। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गई, फिक्स है ना, बोलो। यस और मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ या फिर यहाँ पे कोई तस्वीर है या फिर इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या ये तीनों अरेंजमेंट सेम है क्या अलग अलग है? तीनों अरेंजमेंट सेम है क्या अलग अलग है? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में एक बार ए सामने आ रहा है, एक बार सी सामने, एक बार बी सामने आ रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? थ्री फैक्टोरियल। जो मतलब पहले आंसर आ रहा था वही आंसर आएगा, क्लियर है? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, किसी के रेस्पेक्ट में अगर नहीं पूछा तो n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा। लेकिन इफ विथ रेस्पेक्ट टू सम पर्सन और थिंग किसी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो उस केस में तीन लोगों का अरेंजमेंट का कितना आ जाएगा, थ्री फैक्टोरियल, या फिर अगर n लोग होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है? Yes, आंसर आ जाएगा। और वहीं पे सर्कल के हिसाब से नॉर्मल पूछा है, जब कोई भी किसी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा, इन्हीं के आसपास में होता है n माइनस वन फैक्टोरियल, और बाहर किसी एक्सटर्नल किसी के रेस्पेक्ट में पूछा ऐसा बोलेंगे यहाँ तस्वीर टंगी हुई या फिर इसके रेस्पेक्ट में बता, तो आंसर कितना आएगा, n फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। अब इसमें एक वेराइटी और आती है सर्कल में, नेकलेस वाली या फिर फूल की माला, नेकलेस वाली या फिर गार्लैंड, मतलब फूल की माला टाइप से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और आ जाता है अलग। इसका केस ये होता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर सेम हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अगर हम सेम कंसीडर कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी फाइनल आंसर आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल में उसको क्या करना पड़ेगा, टू से डिवाइड। क्या करना पड़ेगा, टू से डिवाइड। अब एक मिनट इसको समझा रहा हूं मैं, ध्यान समझना। पहले क्या हो रहा था, तीन लोगों को जब मैं सर्कल में अरेंज कर रहा था, ध्यान से देखना, तीन लोगों को जब हम सर्कल में अरेंज कर रहे थे, मान लो तीन लोग ए बी सी, तो तीन लोगों को सर्कल में अरेंज करने का कितने तरीका होगा, बोलो बोलो, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, एक केस मान लो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आया ना, बोलो। ये वो दो तरीके होंगे। अब अगर मैंने क्वेश्चन में बोला कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, तो उस केस में ये दोनों तरीके भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, आया ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर सेम हो जाएगा तो ये दोनों तरीके भी मेरे सिंगल बार काउंट होंगे, तो मुझे टू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल तरीकों को मतलब बेसिकली अगर मान लो ये बोलूं मैं, जितने भी टोटल तरीके होंगे उन सब तरीकों को टू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अच्छा और लेते हैं, फोर पीपल है मान लो, चार पीपल में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, चार पीपल है एबीसीडी सर, चार पीपल को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल मतलब
छह तरीके आया ना, और वो छह तरीके में सम, एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक दो तीन चार पांच छह, ध्यान समझना। तो ए बी सी डी ये हो गया, ठीक है। एक बार अपन ने मान लो ए को ये रहने दिया, क्या करें बी और सी को इंटरचेंज कर देते हैं, सी बी और डी को ये रख दिया, आया ना, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। एक बार ए और डी को इंटरचेंज, तो डी को यहाँ लिख दिया, मान लो ए को यहाँ लिख दिया, बी और सी यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। और इसी में सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करता मैं, तो डी ए नहीं वो तो हो जाएगा वापिस सेम, ए बी सी डी हो जाएगा फिर, वो भी ए बी सी डी ऐसे जा रहा, नहीं नहीं अलग होगा। यहाँ पे मैंने देखो ए डी सेम रखा, सी बी था ना, इसको लिख दिया बी सी, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो एक बार सर बी ऊपर आ जाए, बी सी ए डी, ए के सामने एक बार देखो सी, एक के सामने एक बार सी कर दिया, एक के सामने बी कर दिया, ए के सामने डी कर दो, और यहाँ पे क्या लिख दें बी, यहाँ पे लिख दें सी, ठीक है। ए के सामने एक बार डी कर दिया, यहाँ पे एक बार सी लिख दिया, यहाँ पे एक बार बी लिख दिया, देखो ए बी डी ए बी डी सी, ठीक है। ये वो छह तरीके होते। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, ये छह तरीके आ गए, इसके अलावा जितने भी तरीके होंगे वो सब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब बेसिकली सेम आएगा। अब यहाँ पे देखो रोटेशन कैसा हो रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है बोलो, क्लॉकवाइज आया ना, सेम यहाँ पे भी ए बी सी डी सीक्वेंस ए बी सी डी आ रहा है ना, ए बी सी डी आ रहा है, लेकिन ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, देख पा रहे हो, ये क्लॉकवाइज है, ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है, लेकिन सीक्वेंस तो वही है ए बी सी डी, आया ना, यस सर, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे ए सी बी डी आ रहा है क्लॉकवाइज, क्या आ रहा है ए सी बी डी, वापिस देखो ऐसा सेम कहाँ पे आ रहा है, ए सी बी डी ये वाला, ए सी बी डी एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों में देखो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ है ना, यस, लेकिन सीरियल में वो यार ए सी बी डी, और ये दोनों आखिरी के जो दो बचे इनको भी चेक कर लो, यहाँ पे ए बी डी सी और यहाँ पे ए बी डी सी, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये बोल दूं कि मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट अगर सेम है, तो देखो टोटल डिफरेंट तरीके कितने हो जाएंगे, तीन ही तरीके होंगे, आया ना, यस सर, बेसिकली टोटल आंसर को मुझे टू से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे आधे क्लॉकवाइज होंगे, तो टोटल आंसर को टू से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, इसलिए आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू, क्या बन जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू। देखो सर्कल के केस में सिर्फ तीन ही केस बनते हैं, यहाँ से बस ये तीनों को मैं समराइज कर रहा हूँ, एक बार ध्यान सुन लो, कंफ्यूज मत हो, सिंपल है। अगर एन लोग हैं, एन लोगों को सिंपल सर्कल में अरेंज करना है, कुछ भी कंडीशन नहीं है, एन लोगों को सर्कल में अरेंज करने का कितने तरीका बोलो बच्चों, n माइनस वन फैक्टोरियल, वेरी गुड, पहला फॉर्मूला n माइनस वन फैक्टोरियल, सेकेंड ये बोला कि इसी सर्कुलर अरेंज में विथ रेस्पेक्ट टू समवन, विथ रेस्पेक्ट टू समवन, तो फिर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और इसी में थर्ड सर्कल में ही अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम हो जाए, या फिर अगर मैं नेकलेस या गार्लैंड वाले क्वेश्चन पूछूं जहां पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है सेम, मतलब माला को सीधे पहनो या उसको घुमा के पहनो, दोनों ही केस में क्या मानेंगे, एक ही मानेंगे, जैसे फूल की माला होती है ना, देखिए फूल की माला, ठीक है, उसको अगर मान लो आपने रोटेट करके पहन लिया या फिर ऐसा रोटेट करके पहन लिया, दोनों ही केस में सेम ही आएगी, सर्कल के केस में नेकलेस वाले क्वेश्चन या गार्लैंड वाले क्वेश्चन है तो उसके इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस n वन फैक्टोरियल बाय टू, बाय टू, वेरी गुड, n माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू। तो ये तीन ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पहला कि अगर नॉर्मल पूछा गया किसी भी n लोगों को सर्कल में अरेंज करना है तो उसके तरीके हो जाएंगे n फैक्टोरियल, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर सेम है तो n माइनस वन फैक्टोरियल बाय टू, नॉर्मल अरेंज है तो n माइनस वन फैक्टोरियल, किसी के रेस्पेक्ट में करना है तो n फैक्टोरियल, क्लियर है, ये तीन फॉर्मूला ध्यान रखने, बोलो बोलो, यस, ठीक है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट था, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के केस में ये ध्यान रखना, चलो फटाफट फर्स्ट वाले का आंसर, सर सर एक क्वेश्चन था, सर बोलो, फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, आपने जब फोर फैक्टोरियल, पांच डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सर्कल में अरेंज करने का तरीका, वेरी गुड, फोर फैक्टोरियल दैट इज 24, क्लियर है, 24,
यस सर। सेकंड का आंसर नेकलेस है सर। 4 फैक्टोरियल सर। 4 फैक्टोरियल सर। 2 फैक्टोरियल सर। 12 2 से डिवाइड करने बेटा कुछ भी नहीं। -1 फैक्टोरियल डिवाइड किया हमने 2 से। क्लियर है? यस सर। बोलो यस सर। यस सर। सही में समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन सर मैं शुरुआत में लीव हो गया था सर। शुरुआत का बता दो बिल्कुल ही स्टार्टिंग का सर। कल जब आपने स्टार्टिंग करी थी सर मैं तब लीव हो गया था। शुरुआत में कुछ नहीं, सर्कल में एग्जांपल लेके समझा रहा था कि एक सर्कल में नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट में आंसर आपका n फैक्टोरियल आता है और सर्कुलर अरेंजमेंट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n माइनस वन फैक्टोरियल। क्योंकि वहां पे ये तीन अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे? एक ही गिलाएंगे, इसलिए उस तीन से क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। चार फैक्टोरियल में चार से डिवाइड करना। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर्कल अरेंजमेंट में n माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर है? यस सर, समझ गया। ठीक है, बस आपको ये तीन चीज ध्यान रखनी है। अगर सर्कल में n लोग हैं, n लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका n माइनस वन फैक्टोरियल। उसी में एक स्पेशल केस, अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम आ जाएगा तो n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू, और किसी के रेस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो वो फिर लीनियर हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आई क्या? Yes, चलो सर, मैं थोड़ा और एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। करो ट्राई एक बार खुद से। ये वही वेराइटी पहले जो हमने लीनियर में करी थी, इस बार सेम क्वेश्चन सर्कल में दे दिया। पहले खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, फिर हम सोचते। ये भी कॉन्सेप्चुअल, इसमें आपको फॉर्मूला में सिखाऊंगा। सर 5 फैक्टोरियल फर्स्ट पार्ट का आंसर। यस सर। सर 6 फैक्टोरियल है कि फर्स्ट पार्ट का? देखते हैं सर, 6 फैक्टोरियल आ रहा है या फिर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सब लोग समझना अच्छे से, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बस पहली बार में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार सीख जाओगे फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रहेगा। सीखो ध्यान से। एक सर्कुलर टेबल है जिसमें 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैव टू बी अरेंज्ड सच दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा मेथड? सारी गर्ल्स को साथ में रखना है, मतलब बॉक्स मेथड। अब एकदम रट जाना चाहिए, पहले सिखाया था ना, सबको साथ में रखना है, मतलब बॉक्स मेथड है ना? बोलो यस सर। हम एक बॉक्स के अंदर रख देंगे और उसको एक सिंगल मेंबर की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो कितनी गर्ल, जितनी भी गर्ल्स है, G1 G2 G3 G4, इन सबको बॉक्स मतलब बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट कर दिया। आप मेरे पास क्या बच्चे हुए बॉयज B1 B2 B3 B4 B5 B6 है ना? बोलो बच्चे, अब सर्कल में कितने लोग हो गए टोटल? 7 7 सर्कल में। इसको तो सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे, 6 और 1 7 मेंबर हो गए। हाँ, 7 मेंबर को सर्कल में अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। 7 मेंबर को सर्कल में अरेंज करने का तरीका बच्चों कितना होता है? 6 फैक्टोरियल है ना? यहाँ तक समझ में आया? ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर वाला क्वेश्चन आता तो मैंने आपको कहा था बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड मतलब जिनको भी साथ में रखना है उसे बॉक्स में रख दो। अब ये बॉक्स एज अ सिंगल मेंबर ट्रीट होगा, तो इस बॉयज को और इस सिंगल मेंबर को मिला के टोटल 7 मेंबर हो गए। 7 मेंबर को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होता है? 6 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया? यस सर, आ गया। अब इसके बाद हम गर्ल्स को भी तो आपस में अरेंज करते थे, है ना? यस गर्ल्स को भी तो आपस में अरेंज करेंगे, तो गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। क्योंकि ध्यान रखो बॉक्स मतलब ये लीनियर ही कंसीडर होगा। ये कैसा कंसीडर होगा? लीनियर। तो 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर ये आएगा 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? पहली बार था तो हो सकता है गलत आया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये समझना है ये आया कैसे। अगर ये मेथड सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो
बोलो चमका ठीक है। अब अगला सोचो बी पार्ट। नो गर्ल्स आर टुगेदर मतलब गैप में बिठाना है। यस यस सर। तो करो ट्राई। सर फैक्टोरियल में आते जाए टोटल सॉल्व करके। नहीं फैक्टोरियल में रहने तो चलेगा। नाइन फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है चेक करते हैं बाकी लोग भी ट्राई कर लो। सर मेरा आ रहा है 7c4 इनटू में 6 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल। 7c4 इनटू 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल ओके लेट अस चेक। सर मेरा 6c4 इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके दो आंसर ये सॉरी तीन आंसर आ गए अलग-अलग। और किसी का आंसर सर 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ओके सबके अलग अलग आंसर आ रहे मतलब क्वेश्चन अच्छा है ठीक है। यस देखते हैं अब इसका सही आंसर क्या आता है और सब लोग अपनी अपनी गलती पहचानना आपसे जो जो भी गलती अगर हुई हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा टफ भी लगता है बच्चों को लेकिन अगर एक बार सीख गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बी पार्ट आइए देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो क्या बोला गया नो गर्ल्स टुगेदर ठीक है। तो नो गर्ल्स टुगेदर का सिंपल मतलब मुझे समझ में आता है भाई गर्ल्स को गैप्स में बिठा दो। तो पहले बॉयज को फिलअप कर देते हैं तो बॉयज तो कितने B1 B2 B3 B4 B5 गैप्स कितने बच्चों छह ही गैप है ना। पहले क्या होता था एक गैप एक्स्ट्रा आता था याद आ रहा है। yes, sir. गैप्स कितने छह गैप और मुझे कितने गैप्स की रिक्वायरमेंट है चार क्योंकि चार गर्ल्स है ना तो इन छह गैप्स में मुझे चार गर्ल्स को बिठाना तो छह गैप्स में से कितने गैप्स की रिक्वायरमेंट है बोलो फोर। तो क्या करना पड़ेगा पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा हाँ है ना। छह में से चार गैप को सिलेक्ट करने का तरीका कितना होता है 64 वेरी गुड। सबसे पहले तो यही काम करना है जैसे पहले वहां पे करते थे लीनियर के केस में अगर ये क्वेश्चन आता तो यहाँ पे क्या लिखते 7c4 क्योंकि नंबर ऑफ गैप्स कितने होते 7 होते सिंस यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट है तो नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं 6 से 6 में से 4 गैप को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा 64। बोलो चमका क्या ठीक है। अब गैप सिलेक्ट करने के बाद अब दो ही काम रहेगा कि बॉयज को आपस में अरेंज करो गर्ल्स को आपस में अरेंज करो समझना है। सिलेक्शन तो हमने कर लिया अब अरेंजमेंट किसका करना है बॉयज का आपस में बॉयज में गर्ल्स का अरेंजमेंट गर्ल्स में। ये पहले भी हमने वही किया था आपको बताया था मैंने दोनों का साथ में अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। बॉयज का अरेंजमेंट बॉयज के साथ होगा गर्ल्स का अरेंजमेंट गर्ल्स के साथ होगा। अब मुझे ये बताओ इन 6 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल। हां 6 बॉयज को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे यहां पे अरेंजमेंट ऑफ बॉयज बॉयज का अरेंजमेंट क्योंकि सर्कल में सारे के सारे बॉयज तो 6 बॉयज को अरेंजमेंट करने का तरीका कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल ठीक है। गर्ल्स के बारे में बताओ 3 फैक्टोरियल। अब जो गर्ल्स होगी ध्यान से देखो गर्ल्स जैसे मान लो इसको यहाँ पे अपन पुट अप करके देखते हैं एक गर्ल्स मान लो यहाँ पे आ गई
एक गर्ल यहाँ पे आ गई, मान लो एक को यहाँ पे फिटअप कर दिया, एक को यहाँ फिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लीनियर अरेंजमेंट ट्रीट करेंगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट ट्रीट करेंगे, ये सोचो आप अच्छे से ध्यान से। अगर सर्कुलर लीनियर सर्कुल अगर लीनियर ट्रीट करेंगे तो क्या वो वाला केस और ये वाला केस सेम आएगा या अलग अलग आएगा, ये सोचना है। अब बताओ यहाँ पे लीनियर ट्रीट होगा कि सर्कुलर ट्रीट होगा। अगर मान लो देखो सर्कुलर केस मैंने आपको क्या समझाया था, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा था, देखो ध्यान से आ गया, हाँ यार ABC, मतलब अगर डायरेक्शन का सेम सेम है तो तीनों को एक ही काउंट करेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में क्या सीक्वेंस आ रहा है, ABC हाँ है ना, बोलो। इन तीनों को अपन ने तीन अलग अलग काउंट किया था कि एक सिंगल काउंट किया था, सिंगल काउंट किया था क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में सीक्वेंस ABC 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 आ रहा था, हाँ है ना। यस सर। सर्कुलर में इसको हमने सिंगल एक ही काउंट किया था, इसलिए 4 n से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। और यहाँ पे अगर मान लो मैं G1 मेरा यहाँ आ रहा है, G4 यहाँ पे आ रहा है, G2 यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। अगर मान लो एक अरेंजमेंट में मैं अगर मैं इसको घुमा दूँ, एक आगे शिफ्ट कर दे, G1 को यहाँ पे कर दिया, G3 को यहाँ पे कर दिया, G2 को यहाँ पे कर दिया, और सॉरी G3 यहाँ पे आ गया, G4 सारे यहाँ पे आ जाएगा और G2 को यहाँ कर दिया, तो सर्कल के हिसाब से सेम ही है, लेकिन ये वॉइस के रेस्पेक्ट में सेम है क्या अलग अलग है? सर अलग अलग है, अलग अलग है वॉइस के रेस्पेक्ट। देखो इसको मैं वापस समझाता हूँ, ऐसे समझना, ये पिछली क्लास का आ गया, ध्यान समझना। बताए तो चार गर्ल्स अगर होती ना, उनको अगर गर्ल्स को मैं सर्कल में अरेंज करता G1 G2 G3 G4, चार गर्ल्स को सर्कल में अरेंज करने का तरीका मेरा 3 factorial होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बार बॉयज भी पहले से अवेलेबल है तो उनके रेस्पेक्ट में मैं चीजें कर रहा हूँ, मान लो ये बॉयज पहले से बैठे हुए। अब गर्ल्स का ये अरेंजमेंट, ये वाला अरेंजमेंट मान लो पहले G1 G2 G3 G4, अब इसमें मान लो पहले G1 ही आ रहा था, अगर मान लो G1 को मैंने यहाँ कर दिया, एक एक शिफ्ट कर दिया, तो वो डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सर डिफरेंट हो जाएगा ना, तो इस केस में हमको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, लीनियर ट्रीट करना पड़ेगा। तो फिर चार लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 factorial। गर्ल्स का भी कितना आ जाएगा आपका, आया समझ में? Yes, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बताया था, किसी के रेस्पेक्ट में हम जब भी करते हैं तो आंसर क्या लिखते हैं, n factorial है ना सर, पता कैसे चलेगा किसी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? यहाँ पे हम बॉयज के रेस्पेक्ट में बिठा रहे हैं ना, बॉयज के गैप में, क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे पहले बॉयज की पोजीशन अपन ने देख ली, फिर उसके हिसाब से गर्ल्स को बिठा रहे गैप्स में उनके, है ना। तो उनको जब आपस में अरेंज करेंगे तो बॉयज के हिसाब से अलग अलग अरेंजमेंट होंगे ना, सबको साथ में अरेंज करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, एन माइनस वन फैक्टोरियल करते थे। लेकिन अब गर्ल्स का अरेंजमेंट बॉयज के रेस्पेक्ट में भी तो होगा, क्योंकि हर बार पोजीशन तो चेंज हो जाएगी ना। नहीं आ रहा समझ में, अब यहाँ पे बॉयज नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, बॉयज नहीं होते तो एन माइनस वन फैक्टोरियल करते थे, लेकिन यहाँ पे बॉयज है तो अगर आपका एक अगर एंटी क्लॉकवाइज में एक एक भी चेंज भी कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार पहले मान लो G1 पहले B1 और B2 के बीच में आ रहा था और G1 अब B2 और B3 के बीच में आएगा, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट होगा, इसलिए आंसर क्या करेंगे, 4 factorial। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का था और काफी इंपॉर्टेंट भी है सर। हाँ बोलो सर, इसमें वही हो गया ना, गैप एक भी ज्यादा है तो लीनियर की तरह ट्रीट होगा। हाँ मतलब गैप्स के केस में आप लीनियर सोच लेना, ऐसा समझ, क्लियर है? ओके सर। तो देखो सबसे पहले क्या करा, 6 gap में से 4 gap सिलेक्ट किए, 64 सिलेक्शन हो गया, उसके बाद बॉयज और गर्ल्स दोनों का अरेंजमेंट, तो बॉयज तो सर्कल में थे तो उनका अरेंजमेंट 5 factorial और गर्ल्स का गैप्स में बिठाया तो उनका हो गया 4 factorial। क्लियर हुआ सबको, ध्यान रख लोगे? यस। बोलो यस सर। ठीक है, घर पे थोड़ा सा और सोचना, आ जाएगा समझ में, हो सकता है पहली बार में ना है, लेकिन थोड़ा दिमाग घर पे और लगाना। तो सर्कल के केस में ये इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सर हाँ बोलो बोलो। जो क्वेश्चन आपने अभी करवाया उसका जो ए पार्ट था उसको भी हम बी की तरीके नहीं कर सकते थे? नहीं, यहाँ पे तो मैं गर्ल्स बॉयज सबको मिक्स करके इसको मैं एक सिंगल मेंबर ट्रीट कर रहा हूँ। ये देखो ये एक सिंगल है, ये भी पूरा सिंगल है, इसको तो हम आपस में अरेंज कर रहे हैं ना, सबको साथ में अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको अलग से अरेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि बॉयज को अलग से अरेंजमेंट कर रहा तो फिर अलग चीज होगी, लेकिन यहाँ पे सबको साथ में अरेंज कर रहे हैं ना, इस बॉक्स को भी तो इसके साथ ही अरेंज कर रहे हैं, तो पूरा सर्कल ही हो गया ना वो, आया ना? ओके सर। ठीक है यस ठीक है।
थोड़ा सा आज सर्कुलर अरेंजमेंट का था, बस मेन आपको ये तीन फॉर्मूला ध्यान रखना है। सर्कल में सिंपल अगर हुआ तो n माइनस वन फैक्टोरियल, किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो n फैक्टोरियल। नेकलेस वाला केस है जहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम होगा तो 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, बोलो। और इसके पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये एक्सपोनेंट वाले, ध्यान रखना यहाँ पे एप्लीकेबल कब होगा, जब प्राइम नंबर होगा। आया ना, ये समझ में आ गया था सबको? यस सर। आज इतना ही रखते हैं बेटा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सर? एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और है, वो नहीं समझ आई थी उनको। कौन सी वाली सर, बताता हूँ एक मिनट। हाँ बोलो सर। इन हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी इज 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2, ये क्वेश्चन। हाँ ये एलसीएम वाले क्वेश्चन अभी बाकी बेटा, ये जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, जैसे ये नंबर ऑफ डिवाइजर नंबर ऑफ, ये बाकी है आपको बनाना, ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में करो। ओके सर, ये मैंने क्वेश्चन बताया था ना, तो इसमें कोई बात नहीं। अभी आपको देखो सर्कुलर, आपकी मॉड्यूल में सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन अलग ही दिए हुए हैं, वो आपको ट्राई करना है, और सिंपल बेसिक पीएनसी के क्वेश्चन ट्राई करना है। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। तो घर पे सब जो जना आज मॉड्यूल स्टार्ट कर देना, ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक। हां बोलो। बाकी जिसको डाउट नहीं है वो चाहे तो लीव कर सकता है, अपनी पढ़ाई करो घर पे, और जिसको डाउट है वो रुक जाओ एक मिनट में एनसीईआरटी। एक सेकंड, एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ। एनसीईआरटी में कौन सा बोला था बेटा आपने सर? पेज नंबर 145। एक सेकंड, एग्जांपल 12 म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एनसीईआरटी। एक्चुअली मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक सेकंड, बस दो मिनट मुझे। क्वेश्चन रीड कर दो। हाँ ठीक है, रीड कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एन पी फाइव इक्वल्स टू एन पी फाइव सर, एन एन यस सर, एम की वैल्यू निकालनी है। नो सर, सर एन पी फाइव इक्वल्स टू 42 एन पी थ्री एन इज, एक मिनट मुझे निकालने दो, सुनाई दे नहीं रहा अच्छे से। हाँ दिख गया, एग्जाम्पल 12 ना। यस सर, रुको रुको, नहीं समझ में आ गया मेरे। एन पी फाइव इक्वल टू 42 टाइम्स एन पी थ्री, ठीक है। एन इज ग्रेटर देन 4, ओके ओके। ये आपको पूछा गया, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको फैक्टोरियल ओपन कर दो बेटा। एन पी फाइव को कैसे ओपन करोगे? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, हाँ इनटू 5 फैक्टोरियल, हाँ है ना, इक्वल टू 42 इनटू, इसको भी ओपन कर देंगे सर। ये पी सर ये परमुटेशन में है तो फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल, हाँ है ना। यस सर, ठीक है, मैंने सी समझ लिया इसको। अब देखो इसको आपको सिंपलीफाई करना है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर, अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, ये कि ये जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या था, तो 7 फिर एक कम करोगे तो 6, फिर एक कम करोगे 5, फिर एक कम करोगे तो 4 फैक्टोरियल, याद आ रहा है? एन माइनस 3 था, इसमें एक कम करोगे तो इनटू एन माइनस 4, फिर एक कम करोगे तो एन माइनस 5 फैक्टोरियल, क्लियर है? ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 42, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब यस सर, यस सर, दो वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेना, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, क्लियर है? यस सर। हाँ और कोई डाउट है? नो सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है बच्चों, तो मॉड्यूल प्लीज सॉल्व करना चालू करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें अगर आपको अच्छा बनना है तो कॉन्सेप्चुअली धीरे धीरे समझ समझ के रटना मत इस चैप्टर को, रटने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन होंगे ही नहीं,
और जितना सिंप्लीफाइड वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतना होगा। मैं आपको एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल और भेज दूंगा, अगर मान लो वहां से क्वेश्चन हो जाते तो वहां से एक्स्ट्रा और कट कर, या फिर मैं अपनी बिटली लिंक पे अपलोड कर दूंगा एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल और, उसमें भी क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, चलो।